सो गाइज, आज मैं आपको 9.5 एकड़ का एक ऐसा SEO प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो आने वाले समय में एक नेक्स्ट कमर्शियल सेंटर बन सकता है। अभी कैसे बन सकता है, क्या है, माई फ्रेंड संचित विल टेल यू एवरीथिंग। हाय संचित, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो फाइनली इट्स अ टाइम कि आप इनलाइटन करो हमें फॉर दिस ब्यूटीफुल SEO प्रोजेक्ट। श्योर। सो ऑरिस गेटवे अपने आप में एक इंडिकेशन है दैट हाउ स्ट्रेटेजिकली दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। एक तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज द रनिंग हाईवे, जब आप फ्रॉम जयपुर टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे हैं, तो जो मेन फ्रंट है इस प्रोजेक्ट का दैट इज ऑन टू द मेन हाईवे। प्लस ये एक कॉर्नर प्लॉट है, दिस इज राइट ऑन द कॉर्नर टू द गेटवे ऑफ एंटायर न्यू गुड़गांव। द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो बसावट की हम बात कर रहे हैं पूरे न्यू गुड़गांव की, द डेवलपमेंट विच हैज ऑलरेडी कम अप इन पास्ट 10 ईयर्स, आज उसको कैटर करने के लिए दिस विल बी द प्राइमेस्ट लोकेशन अवेलेबल आज किसी को भी। क्योंकि जब आप हाईवे से आते हैं एंड वेन यू एंटर न्यू गुड़गांव, जहां आप वाटिका से एंटर करते हैं 84 मीटर सेक्टर रोड से, दिस 9.5 एकर्स ऑफ लैंड SEO प्रोजेक्ट, इट इज राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ हाईवे और वो जो सेक्टर रोड है विच एंटर्स इनटू द न्यू गुड़गांव। इट्स काइंड ऑफ अ गेटवे। आज की डेट में न्यू गुड़गांव में जितनी फैमिलीज रह रही हैं, 9 out of 10 फैमिलीज सभी का वर्क कनेक्ट इज इन गुड़गांव इटसेल्फ। तो वर्क कनेक्ट यहाँ तो आपका होगा साइबर सिटी, उद्योग विहार या सोना रोड होगा या एक्सटेंशन रोड होगा, बट वन थिंग इज वेरी कॉमन कि जिसने अप एंड डाउन करना है दैट विल अप एंड डाउन फ्रॉम दिस गेटवे, दिस पर्टिकुलर एंट्री ऑफ न्यू गुड़गांव। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंस। प्लस आज अगर हम पूरे गुड़गांव में SEO प्रोजेक्ट को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, तो एक लौता प्रोजेक्ट ऐसा है विच इज राइट ऑन हाईवे एंड वेरी वेल कनेक्टेड टू दी कैचमेंट विच इज देयर, जो पीछे पॉपुलेशन रह रही है उसके साथ वेरी वेल कनेक्टेड है। क्यों? उसका बड़ा बेसिक सा रीजन है, ये जो 9.5 एकड़ का पैच है जिसपे SEO स्लॉट्स हैं, दिस इज अ 3 साइड ओपन 3 साइड कनेक्टेड प्लॉट। तो एक आप कह रहे हो एक तो NH8 से होगा पक्का। एग्जैक्टली, एक जो मेन एंट्री एग्जिट है दैट इज फ्रॉम हाईवे, दूसरा एक एंट्री एग्जिट है इसका फ्रॉम दी 24 मीटर इंटरनल सेक्टर। सो आई वुड लाइक टू शो जो DLF प्राइमस है दैट इज ऑन टू 2 24 मीटर रोड, 2 24 मीटर रोड के से घिरा हुआ है। तो एक जो उसका एंट्री एग्जिट है जो 24 मीटर रोड है उसी के ऊपर और इस गेटवे की एक एंट्री है। सो दैट इज फ्रॉम इन विद इन द न्यू गुड़गांव। और एक आपके हाईवे की एंट्री है। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हाईवे का सिग्निफिकेंस बहुत मैटर करता है। देखिए, जब हम SEO की बात करते हैं तो एक बड़ा बेसिक सा थंब रूल है कि कोई भी SEO किसी भी एरिया के अंदर उसकी लोकल पॉपुलेशन ही उसको चलाती है। 80% जो SEO की जो रिटेल फुटफॉल है वो उसकी लोकल पॉपुलेशन है, बट हाईवे पे होना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अपने आप में, और वह भी इसलिए बिकॉज वी आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द NH8। जब कोई जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा है इस NH8 पे, विच इज लाइक द लाइफलाइन ऑफ द एंटायर कैपिटल, तो उस केस में क्या है जी, दो तरह के इसमें आपको मूवमेंट दिखता है ट्रैफिक का। एक तो वो क्राउड है जो IGA एयरपोर्ट ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वो रीजन है जिसने बसाया है गुड़गांव को। द इंडस्ट्रीज जो आई थी गुड़गांव में उसी ने गुड़गांव को डेवलप किया, उसी को हेल्प किया ग्रो करने। तो आज अगर हम इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करें, गुड़गांव की जो मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट है जिससे घिरा हुआ है, दैट इज स्टार्ट्स विद मानेसर बावल टप्पूहेड़ा नीमराना, वहां तक स्ट्रेच जाता है जो कि पूरा आपका जापानीज और कोरियन कॉरिडोर है। आज अगर उनको कोई भी पहला हॉल्ट लेना है, वेदर दे आर ट्रेवलिंग बैक टू होम, वेदर दे आर गोइंग टू IGA एयरपोर्ट, तो पहला हॉल्ट जो है वो टोल क्रॉस करने के बाद या तो सेक्टर 29 है या फिर वो साइबर हब होगा। उसका भी एक बड़ा बेसिक सा कॉमन रीजन है बिकॉज दोज आर वेल कनेक्टेड टू NH8, बट वहां तक पहुंचना इट्स नॉट अ इजी टास्क क्योंकि ये एक मेजर हॉल्ट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो दैट्स हाउ इसकी कैचमेंट जो रिमेनिंग 20% की हम रनिंग हाईवे से बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली लाइक इक्वल टू द 80% लोग जो इसको यूज करेंगे इन विद इन फ्रॉम न्यू गुड़गांव। तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के साथ हाईवे पे मेन फ्रंट होने का। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ से जस्ट 0.5 किलोमीटर अवे इस कर्मा लेकलैंड जहाँ पे मैकडी बना हुआ है, आप अपनी गाड़ी आधा घंटा वहाँ लगा लीजिए, यू विल सी एटलीस्ट 10 to 15 इनोवास फुल पैक्ड विद कोरियंस, फुल पैक्ड विद जापानीज एंड देयर स्टाफ जो आते हैं रुकते हैं और जाते हैं। इट इज द ओनली रीजन इज कि टोल क्रॉस करने से पहले कोई हॉल्ट ही नहीं है, देयर इज लिटरली नो प्लेस कि जहाँ लोग रुक पाए कुछ खा पाए, प्लस को रिटेल का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़े मेजर दो एडवांटेज हैं कि इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो 80,000 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, प्लस द रनिंग हाईवे जहाँ पे आज की डेट में कोई और दूसरा कैचमेंट पॉइंट नहीं है। दूसरा मैं वैसे बताता हूँ कि साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, मेरे को पर्सनली ये लगता है कि जितना बड़ा SEO का प्रोजेक्ट रहेगा शायद फ्यूचर में चलने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएशंस होंगे वहाँ पर और ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे और ज़्यादा बड़ा कैचमेंट एरिया बनेगा। सो इट्स लाइक द प्लेटर, आपके पास कम ऑप्शन होंगे एक जगह जाने के बाद, तो ऑब्वियसली यू विल अवॉइड दैट प्लेस। जहाँ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे विच डायरेक्टली यू नो इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, आज अगर मैं 29 सेक्टर जाता हूँ तो मेरे पास एक नहीं कम से कम 10 ऑप्शंस हैं एक ही तरीके के। सो साइज़ बहुत मैटर करता है एंड आई बिलीव 9.5-10 एकड़ का जो साइज़ है इट्स अ वेरी कंफर्टेबल साइज, बिल्कुल सेम, इट्स काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ 29 सेक्टर। आई कैन से दैट आई थिंक उससे बेटर ही होगा, क्योंकि देखो आने वाले समय में जैसे 29 में एटलीस्ट उन्होंने बीच में ग्रीन एरिया सब नहीं बनाया जो आप बना सकते हो। ये एक बहुत बड़ी पहल थी कि अब SEOs आपको प्राइवेट बिल्डर्स ऑफर कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर्स आर एबल टू ऑफर दी SEOs नाउ।
तो एक नया चेंज आपको प्रोडक्ट में दिखेगा. सी इट्स ऑल अबाउट फैसिलिटीज, इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज. तो रियल एस्टेट एक सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं. इट्स अ पीस ऑफ लैंड, बट वो कैसे डेवलपमेंट निकल के आता है, इट ऑल मैटर्स. लोकेशन जो हमने एक पैरामीटर, जो बहुत बड़ा पैरामीटर था, डिस्कस किया. देन कम्स द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. बट अब ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी डेवलपमेंट कितनी बड़ी और किस तरह से निकल के आ रही है. नो डाउट कैचमेंट होगी, सब कुछ होगा, बट आपके प्रोडक्ट कितना रिफाइन है, कैसे वो डिजाइंड है, हाउ फ्रेंडली इज इट फॉर द फुटफॉल विच इज कमिंग इन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने बहुत माइन्यूटली काफ़ी चीज़ों पर इस पर ध्यान दिया है. अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट. हमारा पहला एस सी ओ यहाँ से स्टार्ट होता है. द मेन एंट्री जो NH8 से हम देखें, तो एक परसेप्शन जो आज इस साइट को देख के नॉर्मली लगती है, NH8 जो ऑलरेडी बना हुआ है न्यू गुड़गांव के आगे, जहाँ से वाटिका की एंट्री है, देर इज सपोज टू बी अ 24 मीटर रोड जो अभी बनना है. एक और एक 12 मीटर का सर्विस रोड ऑलरेडी बना हुआ है. देर इज अनदर 24 मीटर रोड विच इज प्लान्ड, जिसपे अभी हम खड़े हैं. एंड देन उसके आगे 36 मीटर्स का एक ग्रीन बेल्ट. तो अब जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, जहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो ब्रॉडनेस उतनी बढ़ती जाती है विजिबिलिटी की, जितना आप हाईवे से दूर हैं. बट हाईवे से दूर होने का ये मतलब नहीं है देर इज एनी डेवलपमेंट इन बिटवीन. तो अगर हम बात करें तो पूरा ग्रीन बेल्ट है, 24 मीटर्स रोड है, और सामने फ्लाईओवर से यू गेट अ हाईएस्ट विजिबिलिटी विच एनी प्रोजेक्ट कैन गेट. और सबसे बड़ी चीज़ है ब्रांडिंग मिलेगी. जैसे जो भी ब्रांड्स यहाँ आते हैं, व्हेन दे प्लेस देयर बोर्ड्स, NH8 से इतनी ट्रैफिक मूव हो रही है, दे आर एबल टू सी दैट प्रोडक्ट. पूरा इनफैक्ट ये पूरा जो एस सी ओ प्रोजेक्ट है ना, ये हमेशा इनलाइटेंड रहेगा. जैसे कि होता है ना कि यार कैचमेंट की, सपोज आप बहुत बड़े बड़े अगर बोर्ड्स लगाते हो उस तरह के एज ए ब्रांडिंग, तो मुझे लगता नहीं कि समबडी कैन रेजिस्ट कि वो बिना रुके चला जाए. प्लस दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो NH8 का एग्जिट है, वो इससे ठीक 100 से 200 मीटर पहले. सो ऐसा कभी नहीं होगा उस मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए, कभी ऐसा नहीं होगा यू मिस दिस प्लेस वेरी वेल बिफोर यू नो अप्रोच द फ्लाईओवर. उससे पहले आपको ये गेटवे प्रोजेक्ट दिख जाता है. और जैसे सपोज बाकी चीजें बात करें, जैसे प्लॉट साइजेस एंड ऑल क्या होंगे. सो रितेश जी, नॉर्मली क्या है, SEOs को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं एज अ इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोडक्ट. सो टू मेक इट मोर फ्रेंडली फॉर आर इन्वेस्टर्स, हमने बहुत ही इकोनॉमिकल से साइजेस रखे हैं. वी हैव जस्ट 2 साइजेस. आपके पास यहाँ तो ऑप्शन है 74 गज का SEO प्लॉट लेने का, और 105 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स. प्लस कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास विच आर 250 स्क्वायर यार्ड प्लस एंड 300 स्क्वायर यार्ड प्लस, विच आर द कॉर्नर SEO विद द हाईएस्ट विजिबिलिटी. मैं ये समझता हूँ कि 75 गज, 74 गज और 105 गज ये बहुत ही डिसेंट साइजेस हैं, यू नो, फॉर द एस्पिरेशनल इन्वेस्टर्स जो अब एंटर करना चाहते हैं यू नो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में. तो एक 74 स्क्वायर यार्ड का SEO प्लॉट और डेवलपमेंट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु इंस्पायर टू नाउ एंटर इनटू कमर्शियल इन्वेस्टमेंट. और कंस्ट्रक्शन वैसे तो खैर ये बता देंगे कि यार कितना हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक प्लॉट के अंदर एग्जैक्टली, वो भी आप प्लीज बता दो. कोई भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट होता है तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कवरेज. जब हम SEO प्लॉट्स की बात करते हैं, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. आप 100% कवर कर सकते हो. आपने आज 75 गज का SEO लिया, पूरे 75 गज के ऊपर यू कैन कंस्ट्रक्ट 100% एंड यू कैन यूज द एंटायर एरिया. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें. आपको आज SEO प्लॉट्स के ऊपर FAR मिलती है 4.26 की, विच मीन्स आप इस पे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर की डेवलपमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको बेसमेंट की FAR बिल्कुल फ्री मिलती है. तो अगर हम कैलकुलेट करें, आज 105 गज का जो हमारा SEO है, तो 105 गज पे आप रफली बेसमेंट मिला के यू कैन कंस्ट्रक्ट, बिल्ट अप एरिया आपका निकलता है 5,000 स्क्वायर फुट के आसपास, विच इज अ गुड साइज. एब्सोल्युटली. तो आप पूरा एरिया कवर कर रहे हैं. इसी चीज को जब हम रिटेल से कंपेयर करते हैं, हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल या एयर कंडीशन मॉल से कंपेयर करते हैं, तो आपको ये 5,000 स्क्वायर फुट खरीदने के लिए, एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए या कारपेट लेने के लिए, यू नीड टू बाय एटलीस्ट 10,000 टू 11,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि 50% का एफिशिएंसी मिलता है. एग्जैक्टली. तो एफिशिएंसी का ही मेन गेम है इसमें आज. इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि डेफिनेटली वो भी एक अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को के पैरामीटर को भी देखते हैं. सो दोज ब्रांड्स आर ऑल्सो टूडे इंक्लाइन टूवर्ड्स SEOs. आज मेजर ऑटोमोबाइल शोरूम्स हैं जो हाई स्ट्रीट रिटेल या एयर कंडीशन मॉल या कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जो उनको जगह मिलती है, वहाँ से उठ उठ के दे आर कमिंग डाउन टू SEO प्रोजेक्ट्स. कन्वीनियंट भी है ना, एफिशिएंसी भी है, कन्वीनियंट भी है. हाई स्ट्रीट में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस भी नहीं है यार. पहले पार्किंग शार्किंग करो, कहाँ थर्ड थर्ड बेसमेंट में जाके, फिर दो दो तीन तीन लिफ्ट लेके आओ. एब्सोल्युटली. तो इस प्रोजेक्ट में भी अगर आप देखें तो वी हैव वेल टेकन केयर ऑफ. एक तो जितनी भी कार पार्किंग्स हैं वो आपको इस प्रोजेक्ट 9.5 एकड़ के अंदर ही मिलती हैं. सभी की सभी पार्किंग सरफेस कार पार्किंग है. एंड आई बिलीव एट एनी पीक आवर, जब ये SEO प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा, किसी भी गाड़ी को बाहर पार्क करने की जरूरत नहीं. वी हैव टेकन केयर ऑफ, हमारे पास सफिशियंट कार पार्किंग्स हैं. और हमने डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके से किया है कि ये SEO है और ये सामने इसके पार्किंग है,
कोई भी ग्राहक आता है, कोई भी कस्टमर आता है, वो अपनी गाड़ी लगाएगा और सीधा सामने अपने एससीओ में या उस रिटेल के अंदर एंटर करेगा। बाकी तो क्योंकि आप एनएचएट के पास वो सर्विस लेन भी है, बहुत सारी और जगह मिल जाती है बफर जोन में, सो यू गेट लॉट ऑफ मोर पार्किंग्स आल्सो। एब्सोल्युटली, क्योंकि लोकेशन इतनी, यू नो, लोकेशन में इतनी ग्रेविटी है, इतना पुल होगा आसपास की जनता के लिए, प्लस हाईवे का क्राउड भी रुकेगा, पार्किंग ऑब्वियसली कम तो नहीं पड़ेंगी, बट हमारे इंटरनल कार पार्किंग्स के अलावा भी देयर विल बी लॉट ऑफ स्पेस। सामने 24 मीटर्स रोड है, ग्रीन बेल्ट है, बैक साइड में 24 मीटर्स रोड है, देयर इज अनदर 24 मीटर रोड व्हिच इज कमिंग जो मेन 84 मीटर रोड से कनेक्ट करती है, तो तीनों तरफ से यू आर वेल कनेक्टेड। अभी जैसे जिसमें हम चल रहे वो रोड्स है, हाँ, तो आपके दोनों तरफ अभी एससीओज हैं, और राइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो बीच में ये ऑलमोस्ट 1.25 एकड़ का हमने ओपन स्पेस छोड़ा है, विच इज़ द प्लाजा एरिया, जहाँ पे आपके ओपन कैफेटेरियाज होंगे, लाइव गैदरिंग करने की जगह होगी, यू नो, जस्ट टू प्रमोट एक्स वाई जेड थिंग्स। वो बहुत जरूरी है आज के डेट में, राइट, एंड यू विल सी लश ग्रीनरी इन द बिल्डिंग। अच्छा, इसमें दूसरे प्रोजेक्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ या अपने प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ, तो जितनी भी इसमें आप इंटरनल सड़कें देखेंगे 9 मीटर की, those will be all of pavers, plus पूरे project में flooring में granite का इस्तेमाल किया जा रहा है, it will give a very lavish look, you know, जब graceful लगेगा, lavish लगेगा, exactly, और जो elevation है, since, अच्छा, to add, ये एक बहुत unique point है with Auris Gateway, that these are constructed SCOs, गुड़गांव में, जहाँ तक मेरी knowledge है, इस समय, कोई builder आपको constructed SCOs नहीं दे रहा, this is a project, हाँ, एक दो में भी होंगे, so these are constructed, ठीक है, दोनों के अपने advantages, disadvantages हैं, but आप हाँ बताइए। सो कंस्ट्रक्टेड SCOs हम दे रहे हैं, जिसमें प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन करने का पेन भी क्लाइंट को नहीं लेना है, वी गिव कंस्ट्रक्टेड SCOs, और क्योंकि एक न्यूज़ काफ़ी अभी ना चर्चा में चल रही है, इनफैक्ट पर्टिकुलरली हरियाणा में बड़े चर्चा में है, कि अब फ्लोर वाइज रजिस्ट्रीज खुलने वाली है SCOs की। ओके, तो मेरे हिसाब से यही कुछ टाइम है गुड़गांव के लोगों के पास, या जो गुड़गांव में SCOs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस दी राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्री खुल गई फ्लोर वाइज, मेरे हिसाब से SCO प्लॉट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे, पीपल जिन्होंने खरीदा है, इंडिविजुअल्स या बिल्डर, फिर अपने SCO प्लॉट्स नहीं बेचेंगे, हर कोई फ्लोर्स ही बेचेंगे, फ्लोर्स ही बेचेंगे, सही बात, वो ज़्यादा आएगी ना, एक ऑफिस, आप एक तो छोटे छोटे स्पेसेस करके बेच पाओगे, 600 फुट का ऑफिस, 1000 फुट का ऑफिस, वो चीज़ एग्जैक्टली, वो तो नेचुरल की बात है। तेज जी, हम जो कंस्ट्रक्टेड SCOs दे रहे हैं, हमने इसमें पहले प्लॉट्स भी ऑफर किए थे, बट वन थिंग इज कॉमन, इसमें जो फ्रंट फसाड होगा, पहली बात तो इट्स ऑल ग्लास एलिवेशन, पूरा जो एलिवेशन सभी SCOs का वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, विच विल बी कंट्रोल्ड बाय Auris इटसेल्फ, और वो पूरा ग्लास एलिवेशन है, तो एक आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, तो कोई आपको रेड येलो पिंक नहीं दिखेगा, एवरीथिंग विल लुक वेरी यूनिफॉर्म और पूरा ग्लासी लुक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक मार्केट को बनाना, उसको चलाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअल में, आई थिंक बिल्डर का भी काफ़ी रोल रहता है उसमें, दैट्स वेयर कि बिल्डर अपना रोल प्ले करता है, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द बायर्स जो आज प्राइवेट, यू नो, SCOs परचेज कर रहे हैं, रादर देन गोइंग फॉर अ हुडा डेवलपमेंट, हुडा डेवलपमेंट, वो तो खैर नेचुरल बात है कि प्राइवेट बिल्डर्स फिर उसी हिसाब से सारी चीज़ों को वो करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक NH8 के अलावा आई थिंक CPR भी वही है अपना, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, ये जो मल्टी क्लोवर लीफ है, यहाँ से आई थिंक ये दो मेजर जंक्शन हैं, यहाँ से आप 1.25 किलोमीटर पे क्लोवर लीफ जंक्शन आ जाता है, और राइट हैंड साइड में जो ये गेटवे है न्यू गुड़गांव का, राइट अक्रॉस इज द रोड विच इज कनेक्टिंग टू SPR रोड, और आज की डेट में दूसरा मेजर कैचमेंट आपका हाईवे के राइट हैंड साइड से भी आता है। आप अगर चारों तरफ इस प्रोजेक्ट के देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको अभी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो न्यू गुड़गांव के अंदर हैं, प्लस ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ न्यू गुड़गांव दी हाईवे जो ओवरलुक करते हैं इसको। ये तो एक शहर इन मेकिंग है ना, देखते देखते कितना चेंज हो गया, आज जिस शहर में बैठे हैं, मैंने सारा रेत देखा, रेतीली टिल्ले जितने भी है, DLF, CLF, ये वो, जितने आप सपोज आपने कहा कितनी कितनी फैमिली के लिए आपने, ऑलमोस्ट अराउंड 2 से 3 लाख फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है, आप कह रहे हो 2 से 3 लाख फैमिलीज रह रही, तो मैंने वैसी जगह देखी यहाँ कोई था ही नहीं, और ये 2 से 3 लाख फैमिलीज इतनी जल्दी आ गई, तो आई थिंक, और ये ट्रेंडिंग है एज पर द सर्वे, अगले आने वाले 2 से 3 साल में दिस पॉपुलेशन विल गो अप टू 5 लाख 6 लाख एज वेल, आराम से, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते जा रहे वैसे वैसे लोग रहना शुरू कर रहे हैं। पहले एक ऑब्स्टिकल था, मैंने कई लोगों को देखा था डिलीवरी होने के बाद भी लोग यहाँ नहीं रहते थे न्यू गुड़गांव में, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग, बहुत अच्छी रियल एस्टेट न्यू गुड़गांव ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो पूरा हब बन जाएगा, और क्योंकि SCO प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, दिस विल कम्पीट, यू नो, विद वेरी सिलेक्टेड कमर्शियल्स, आज पूरे न्यू गुड़गांव में बहुत ही लिमिटेड कमर्शियल्स हैं जो कि एक्टिव हैं, और क्योंकि SCO डेवलपमेंट बहुत फास्ट तरीके से होती है, हम जो होराइजन लेके चल रहे हैं आज से, यू नो, बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वो पूरा कंस्ट्रक्ट करके दिस SCO विल बी इन अ रनिंग कंडीशन, और इस गेटवे रनिंग कंडीशन में आ चुका होगा, बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में हम कंस्ट्रक्शन ऑफर कर रहे हैं।
मतलब हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट देखें तो आज जो हम ऑफर करते हैं किसी भी एसईओ बायर को, प्लॉट बायर को, दैट इज समवेयर बिटवीन 1100-1200 रुपीस पर स्क्वायर। ओके, तो इतने में स्ट्रक्चर, मे बी उससे कम में आपको 74। आपका मैटर ये है कि यार यहाँ कंस्ट्रक्ट हो जाए जो भी है, ताकि मतलब फ्यूचर में वेट ना करे कि यार कब लोग प्लॉट लेके फर्दर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वाली बात है, सो दैट एक अपकमिंग मार्केट हो जाए, फटाफट लीज और चलना शुरू हो जाए। इसी पर्पज से दूसरा जो हमने इसके अंदर स्ट्रैटेजिकली काम किया है वो ये है कि जी अराउंड 30 SEOs हमने अपने पास होल्ड करके रखे हैं। ठीक है, होल्ड इन द सेंस वी आर नॉट सेलिंग देम। ओके, बट नॉट सेलिंग मींस वो पड़े रहेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट देम, हम उसको खुद लीज करेंगे, हमारी खुद की एक लीज टीम है जो कि उसको लीज आउट करेगी, वी विल ट्राई टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स और वो सिलेक्टेड SEOs हैं जिससे विजिबिलिटी और हाई होगी एंड दैट विल मोटिवेट यू नो द अदर पीपल कि उस पर कंस्ट्रक्शन हमारे थ्रू होगा और जल्दी लीज आउट होंगी चीज़ें। दूसरा, इसके अंदर हम लीज असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो भी SEO प्लॉट कंस्ट्रक्ट करके हमसे ले रहा है उसकी लीजिंग असिस्टेंस वो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। गॉट इट। रितेश जी, इसकी सराउंडिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ आप देखें जो ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ होटल प्रोजेक्ट बाय लेमन ट्री, ये वाला ना। इसका भी एक्सेस सेम 24 मीटर्स रोड पे, मतलब जो एग्जिट है लेमन ट्री का और जो एंट्री है गेटवे की, दोनों एडजेसेंट टू इच अदर, प्लस बैक साइड में प्राइमस। आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पे, हम जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंग की बात कर रहे थे, मैक्सिमम ग्रुप हाउसिंग तो इससे अटैच्ड है गेटवे से, तो हम तो 30-40% जो फुटफॉल होगा वो बात कर रहे हैं जिनको गाड़ी लाने की जरूरत ही नहीं है, जिनके वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्राइमस वाले वॉक करके आ जाएंगे आपके, जितने वाटिका वाले सारे वॉक करके आ जाएंगे आपके पास। मतलब इन स्पेसिफिक, क्योंकि गुड़गांव की बात कर रहे हैं आज, जैसे गैलेरिया मार्केट है, पीपल नॉर्मली कम टू हैंग आउट, तो एक हैंग आउट यू नो डेस्टिनेशन भी होगा लोगों के। तो सर एक बात बताओ, यहाँ का फिर इन्वेस्टमेंट साइज क्या है? जी, आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 3 करोड़ से, क्योंकि दो ही साइजेस हैं तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जो क्लाइंट को आकर के एक इन्वेस्टर को चूज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन रखा नहीं चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन रखा नहीं है। नहीं, अच्छा है, फील भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि कहना कि यहाँ खड़े होकर लग रहा है कि देर आर अ ह्यूज डेवलपमेंट विच इज़ कमिंग अप अराउंड, तो मुझे लगता है कि ये एक फ्यूचर का हब बन सकता है। इसके सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब लाइक अगर टिक मार्क्स भी करें, यू हैव NH8 विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, और NH8 से कनेक्टिविटी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, कई बार समटाइम्स यू आर क्रॉसिंग हाईवे और वहाँ से पता लगता है कि सर्विस लेन कहीं दूर से है, आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट को बट पहुँच नहीं पा रहे, बट ये प्रोजेक्ट तो है ही हाईवे पे, एग्जैक्टली आपको एंट्री हाईवे से मिल जाए, यू गॉट अ गुड फ्रंटेज और 3-4 साइड से एंट्री। कई बार क्या होता है NH8 से ही एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, कई बार आपके लोग बाहर से भी एंट्री करना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसकी एक एंट्री एग्जिट है और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसकी 3 एंट्री एग्जिट है, फुटफॉल कहाँ ज्यादा होगा? यू कैन, मुझे वैसे ना जेन्युइनली लगता है कि आने वाले समय में जो SEO प्रोजेक्ट्स है ना, दे मे रिप्लेस द हाई स्ट्रीट मार्केट, क्योंकि एक्चुअल में जो मॉल कॉन्सेप्ट है ना, मुझे नहीं लगता कि इट्स समथिंग फॉर इंडियन मार्केट। हमें लगता था कि गुड़गांव में इतने MNC वाले तो शायद मॉल इतने फ्रूटफुल है, बट मुझे लगता नहीं है, मॉल से ज्यादा लोग हाई स्ट्रीट को ही ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। आज भी लोग चाहते हैं कि आए और मेरी पार्किंग सामने लग जाए और हम चले जाए। मैंने ये एक साइकोलॉजी देखी है, सारे वो मार्केट्स अच्छे चलते हैं एकदम, मतलब लोगों की एक हैबिट बिल्डिंग है कि यार आए हैं, गोलगप्पे वाला भी है या फिर स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, थोड़ा सा फ्ली मार्केट भी है उसके साथ अच्छे अच्छे, मतलब लाइक एक एग्जांपल मान लो, और 9.5 एकड़ में तो लाइक देयर कैन बी मल्टीपल थिंग, काफी बड़ा F&B सेंटर भी बना सकते हो, फैमिली बिजनेस एक्सपैंड करना है या आपको नया बिजनेस सेटअप करना है। हर कोई जो रिटेल जो शॉप चला रहा है या अपना बिजनेस चला रहा है, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, वो कमाने आया है, और कमाने के पीछे कॉस्ट कटिंग एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, और यहाँ पे आपकी सारी की सारी चीज़ें आधी हो जाती हैं। आज अगर कोई लीज पे भी SEO ले रहा है तो वो ऑलमोस्ट वही एफिशिएंसी की बात आ गई, आधे से कम रेट में आपको रेंटल पे मिल जाती है, वी हैव मेड अ कैलकुलेशन, और इनफैक्ट मेंटेनेंस भी आधी दे रहे हैं, आधी भी दे रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, आधी भी नहीं आधी से कम। हाई स्ट्रीट मार्केट, पहले लोग मॉल में लोग मेंटेनेंस से मरते थे कि यार आपको 18-18, 20-20 रुपए अगर आपकी दुकान नहीं भी चढ़ी तो आपको देनी पड़ रही है, विच वॉज लाइक पुटिंग योर मनी इन द स्विस बैंक। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि स्विस बैंक में पैसे जमा करने से, मतलब जमा करने का आपको पैसा देना पड़ता है वाली बात है, आई एम नॉट श्योर, देखो मुझे बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, बट आई थिंक रिटेल हाई स्ट्रीट मार्केट ये मॉल्स में खरीदना उसी के बराबर होता है। हाई स्ट्रीट भी मिडवे ही है, बट SEO प्लॉट्स में आई थिंक इतना लिमिटेड अपना मेंटेनेंस रहेगा कि अगर बाय द वे आपकी चीज़ नहीं चढ़ी हुई तो वो नहीं होती, और जड़ से आपकी चीज़ है फ्रॉम ग्राउंड टू वो, तो एक जो एस्पेक्ट रहता है ना यार, जमीन मेरी है कि नहीं है, वो भी है। मतलब आज अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें तो कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 12-13% से ज्यादा का रिटर्न है अगर आप रेंटल्स की बात करें। और मुझे लगता है SEO प्लॉट्स अगर पुराने साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो जितने भी SEO प्लॉट्स मैं जानता हूँ पुराने,
क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा नाम तो नहीं ले सकता। सबसे तीन चार पॉपुलर जो लोग एज ए डेस्टिनेशन जाने सीपी है कैनॉट प्लेस, क्योंकि कैनॉट प्लेस आपको लगेगा नहीं कि इट्स एसईओ, बट आप स्ट्रक्चर वाइज देखना एक कॉमन फसाड काइंड ऑफ थिंग है, वैसे ही जा रही है चीजें, वो एक सिंगल सिंगल प्लॉट्स में है एक्चुअली। और फ्लेक्सिबिलिटी व्हीकल को किसी ब्रांड को डबल हाइट चाहिए वो बना सकता है, ट्रिपल हाइट चाहिए वो बना सकता है, एनी व्हिच वेज वो दो एसईओ तीन एसईओ कंबाइन करे, बेसमेंट कंबाइन करे, पूरा स्ट्रक्चर, सच अ बिग फ्लेक्सिबिलिटी वो वाली बात है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि चलो ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, आई वेंट टू ओमेक्स एसईओज जो आपके फरीदाबाद में लाइव एग्जांपल है, दे हैव मेड इट एंड इट्स गेटिंग, जबकि फरीदाबाद का मार्केट गुड़गांव से बहुत वीक है, उसके बावजूद भी आई थिंक उसका नाम है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट और फुल्ली ऑलमोस्ट आप देखोगे तो अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी है वहां पर और क्राउड भी अच्छा खासा आता है। उस हिसाब से आई एम पर्सनली वेरी कॉन्फिडेंट कि यार एसईओ चलता है काफी, और कन्वीनियंस भी था, मैं खुद वहां गया आराम से, आई वेंट फॉर सम मीटिंग एक्चुअली, इजिली पार्क किया चला गया, फिर घूमते घूमते मैं कहीं बैठ गया, किसी का वेट कर रहा था, देन वी वेंट टू सम रेस्टोरेंट, वी हैड फूड आल्सो, तो मतलब इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। देखिए किसी बायर में या किसी एक ग्राहक के अंदर ना पेशेंस लेवल कम होता, तो वहाँ ये चीज फैक्टर बहुत प्ले करता है कि आपने अपनी गाड़ी लगाई, आपको जो चीज चाहिए आप गए और वापस आए। मेरे को दुनिया में सबसे गंदा काम लगता है पार्किंग जाके, अगर सपोज मान लो मुझे अभी किसी मॉल में एंट्री करनी होगी ना, मुझे जो वहाँ जाके जो बेसमेंट में पार्किंग करनी होती है ना, मतलब ये नहीं कह रहा साइकोलॉजिकली मेरे को ना वो बड़ा, मतलब आपको पार्किंग पेन देता है, आपको पार्किंग पेन देता है, मेरे को वहाँ से लिफ्ट के लिए जो वेट करना होता है उसके लिए पेन। वही चीज कह रहा हूँ कि दे आर वेरी पेनफुल काइंड ऑफ थिंग, और ज्यादातर रिटेल चलते भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो एक होता है ना कि लाइक यू हैव गिवन ग्राउंड एंड फर्स्ट पे रिटेल देते हैं जनरली, आई थिंक ज्यादातर जो आपकी लीजिंग भी होगी मुझे लगता है ग्राउंड एंड फर्स्ट इकट्ठे ही बोलेंगे। तो आप यहीं से कंपेयर कर लो, जब हम एसईओ को कंपेयर करते हैं तो किसी हाई स्ट्रीट के ग्राउंड फ्लोर से ही कंपेयर करते हैं। आज हम जिस महीने में ये वीडियो बना रहे हैं, आज का करंट रेट यहाँ पे अगर हम देखें तो 45 से 50,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है आज ग्राउंड फ्लोर रिटेल। तो गुड़गांव में और ज्यादा ऑर्गेनाइज, क्योंकि देखो गुड़गांव इज अ वेरी ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ थिंग, सो मुझे लगता है पर्सनली जिस तरीके से छोटे छोटे जगह पे आप एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है आज के रेट में, वो पॉइंट है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो देखो मैं आखिरी में आपको यही कहूंगा, NH8 का मिलता है। NH8 पे आई हुई कोई डेवलपमेंट फेल होनी तो बहुत दूर की बात है, बट हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू 8 हुई है। मेजर से मेजर हॉस्पिटल्स हों, मेजर से मेजर होटल्स हों, मेजर से मेजर कमर्शियल्स हों या कॉर्पोरेट्स हों, आज यहीं से हिसाब लगा लो कोई फॉर्च्यून 500 में से 300 कंपनियां गुड़गांव में है, उसमें से मेजर कंपनीज का जो प्रेजेंस है वो NH8 पे, बिकॉज दैट्स द ओनली लाइफलाइन। आप IGI से वहीं से कनेक्ट करते हैं, आप रेस्ट ऑफ NCR से NH8 से कनेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो इस प्रोजेक्ट के लिए प्ले करता है दैट इज NH8। सो यू थिंक दिस विल बी अ नेक्स्ट कमर्शियल सेंटर ऑफ गुड़गांव, जैसे हम कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट यार, एक नोन है यार आज के डेट में यार, एनीबॉडी जैसे एंबियंस मॉल हो गया, चाहे सेक्टर 29 हो गया, चाहे मतलब यू थिंक सब NH8 से कनेक्ट, बिकॉज NH8 इज कनेक्टिंग यू टू द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सो गाइस आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। हियर वी एंड आवर वीडियो।